दोस्तों ने पुरस्कार दिया है। उन्होंने बताया था कि 1,76,000 करोड़ का पूंजी घोटाला हुआ है, कोर्ट ने खत्म कर दिया, कहा कोई घोटाले नहीं हुआ, कोर्ट की भी बात नहीं मान रही। सारी की सारी चीजें एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से नोटबंदी के खिलाफ 2 साल पूरा होने पे ये पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी की एक कड़ी ये भी थी, 8 नवंबर 2016 को हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश में आर्थिक भूकंप लाया था, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था छिन्न हो गई, आम आदमी परेशान हो गया, तमाम गरीब आदमी बेरोजगार हो गए और उनकी मंथरा नीति से भी देश का अपमान हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि गरीब लोग जो है मजा कर रहे हैं और मैंने काले धन वालों को सड़क बैंकों में लाइन में लगा दिया है। ये लाइन में लगाए हुए वो तमाम लोग हैं जो मेहनतकश हैं, जिन्होंने अपनी कमाई का पैसा जमा किया था बैंक में और उस छिठुरते ठंड में भी अपने पैसे को पाने के लिए वहाँ पर लगे रहे, और उसमें से 143 लोगों का उसके शरीर का अंत हो गया और काफ़ी लोग उसमें घायल हो गए। लेकिन ये संवेदनहीन सरकार और ये संवेदनहीन हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने जरा भी उस पर से 2 साल आज नोटबंदी को हो चुकी है, ये पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और जनता को नोटबंदी का कोई फायदा नजर नहीं आया, सिर्फ नुकसान ही नुकसान नजर आया। याद करिए वो दिन जब नोटबंदी 12 बजे रात में मोदी जी ने ऐलान कर दिया, तानाशाही फरमान जारी कर दिया कि ये नोट नहीं अब ये कागज़ के टुकड़े हैं, तो बूढ़ी माँ बूढ़े बाप लाइन पे लग गए और उन्होंने कह दिया सारे काला धन चोर को लाइन में लगा दिया। बताइए आम जनता को इन्होंने बना दिया था, इन्होंने काला धन वाले बना दिया था, और इस नोटबंदी से जितना देश को नुकसान हुआ है वो देश जान रहा है। कितने लोगों की इसमें मृत्यु हो गई लाइन में लग के, कितने बहनों की शादी टूट गई, कितने लोगों दवा के बिना दम तोड़ दिया। टोटली ये खराब नीति थी मोदी जी की, और इसका हम लोग आगे भी विरोध करते रहेंगे और जनता को बताएंगे कि मोदी जी का काम सिर्फ देश को जुमला देना है और देश का विकास करना नहीं, ना शहर के नाम बदलने से शहर का विकास नहीं होता है। आपने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, सिर्फ जुमलेबाजी।